हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस सेंटेंस की इंग्लिश जानेंगे। सेंटेंस है, उसने मुझे बताया है। तो चलिए हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहले देखते हैं कि अंत में क्या है। अंत में है बताया है। यदि सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ या है, ई है, ए है आता है, इस तरह का सेंटेंस ट्रांसलेट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम से। ये अफर्मेटिव है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट उसने की इंग्लिश यहाँ पे ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब है इसमें बताया है। बताना को इंग्लिश में टेल कहते हैं। टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट इसमें है मुझे, मुझे की इंग्लिश अंत में मी। ही हैज टोल्ड मी, उसने मुझे बताया है कि इंग्लिश है ही हैज टोल्ड मी, ही हैज टोल्ड मी, या फिर वह मुझे बता चुका है, इसकी भी इंग्लिश है ही हैज टोल्ड मी, ही हैज टोल्ड मी। अगर यह सेंटेंस नेगेटिव में हो, जैसे कि उसने मुझे नहीं बताया है, इसकी इंग्लिश ही हैज नॉट टोल्ड मी, ही हैज नॉट टोल्ड मी। अगर यह सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, जैसे कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया है, ये WH वर्ड इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, तो पहले WH वर्ड क्यों की इंग्लिश है वाई। वाई हैज ही नॉट टोल्ड मी, उसने मुझे क्यों नहीं बताया है, इसकी इंग्लिश है वाई हैज ही नॉट टोल्ड मी। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के और भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।